ठीक है, पहला लाइन पैकेज का होगा, दूसरा लाइन क्लास का होगा, ठीक है, और तीसरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद जो भी फंक्शनल वर्क है वो मेन के अंदर आप लिखेंगे, उसके बाद मेन की क्लोजिंग, फिर क्लास की क्लोजिंग। इन जावा एवरी प्रोग्राम इज नोन बाय द क्लास, नॉट बाय द मेन फंक्शन, ठीक है। तो हर हर प्रोग्राम जो जावा का है वो क्लास है, एवरी जावा प्रोग्राम इज अ क्लास, ठीक है। और हर क्लास अपने अंदर एक ही फंक्शन को बाय डिफॉल्ट एक्सेस करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेन, ठीक है। तो सपोज इफ वी आर इनवोकिंग अ क्लास, दैट क्लास इज सर्चिंग द मेन फंक्शन, ठीक है। हम इनवोक करेंगे क्लास को, क्लास सर्च करेगा अपने अंदर किसको, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी है कि क्या हर एक क्लास में मेन होना जरूरी है? जवाब हाँ भी है, जवाब ना भी है, जरूरी नहीं है। किसी में मेन जरूरत है तो मेन रखेंगे, लेकिन जो क्लास एग्जीक्यूटेबल क्लास है, जिस क्लास को हम रन कराना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, उसमें मेन होना जरूरी है, क्योंकि वही क्लास एग्जीक्यूट करता है जिसमें मेन होता है। जिसमें मेन नहीं होता है वो क्लास तो होता है, उसके ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, ठीक है, पर वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, वो एक्सेसिबल होता है। क्या होता है? एक्सेसिबल होता है, यानी एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सेस कर सकता है, ये विधि होती है, ठीक है। यानी किसी क्लास को रन करने के लिए उस क्लास में क्या होना जरूरी है? मेन का होना जरूरी है। क्लियर? यस सर। ठीक है, माइंडसेट ठीक। अब क्लास में अगर मेन नहीं है तो वो क्लास नहीं होगा, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, वो एक्सेसिबल होगा पर एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। ये एक्सेसिबल भी है एज वेल एज एग्जीक्यूटेबल भी है, क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर हम मेन लिख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली अभी हम लोग जो भी काम करेंगे सब एग्जीक्यूटेबल क्लास के फॉर्म में काम करेंगे, शुरुआती कुछ क्लासेस, ठीक है, ताकि इनमें हम लोग जावा को समझ सके और वो सिमिलैरिटी फीचर को भी हम लोग इसमें यूज कर पाए जो हमने सी सी प्लस प्लस में सीखा है। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि सी सी प्लस प्लस के बहुत सारे कंसेप्ट इसमें रिपीटेड है, क्योंकि जावा का नेटिव लैंग्वेज क्या है? सी सी प्लस प्लस, ठीक है। तो जो चीज आप सी में जाने हैं पहले तो हम कोशिश करेंगे उनपे कुछ कुछ काम करा दें, ठीक है, और जब ये हो जाएगा देन आफ्टर वी विल डिस्कस द क्लास, ठीक है, वंस मोर। तो एक बार हम लोग फिर उस पे क्लास पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास में एक्सेसिबिलिटी भी होती है। आप अभी पैकेज समझा दिए हैं, लेकिन अगर क्लास पैकेज के अंदर है तो कैसे एक्सेसिबल होगा? पैकेज के अंदर होगा, पैकेज के बाहर होगा, ठीक है। तो उसके लिए स्कोप होता है जिसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक आपको बताया जाता है, ठीक है। तो इन पे भी हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में, फिलहाल अभी बूस्ट करते हैं ताकि जावा बनाना शुरू करते हैं। तो ये बेसिक सिंटेक्स है जिसमें क्लास में आप एक नाम देंगे, ठीक है, और मैंने कहा था कि जिस नाम से क्लास का नाम रखेंगे उसी नाम से प्रोग्राम का भी नाम रखेंगे। अलग रख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन एक क्रिएट होगा, कंफ्यूजन ना बने, इसलिए बेहतर है कि जो नाम से क्लास है उसी नाम से प्रोग्राम को भी सेव कीजिए। जावा प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, क्या होता है? जावा, ठीक है, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें जब भी हम क्लास, इस पर्टिकुलर क्लास को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, तो ये किसको एक्सेस करेगा? मेन फंक्शन, ठीक है। अब मेन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा हुआ है, इसको समझना है। पब्लिक क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं, प्रोटेक्टेड क्यों नहीं, ठीक है। पब्लिक का मतलब होता है कि कहीं से भी एक्सेसिबल, तो जाहिर बात है हम प्रोग्राम बनाएंगे और रन उसको बाहर में कहीं कराएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे कराएंगे या कहीं और पे कराएंगे, तो इसका मतलब हम कहीं से दूसरे जगह से इसको क्या करना चाह रहे हैं? एक्सेस करना चाह रहे हैं,
तो अगर मेन का नेचर प्राइवेट हो जाएगा तो कहेगा बाहर में हम एक्सेस होने ही नहीं देंगे अपने आप को, ठीक है। दैट्स व्हाई ये कहता है कि हम जब भी होंगे किस स्कोप में होंगे, क्योंकि मैं ही ना रन करूंगा और मुझे तो बाहर से एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, तो मैं प्राइवेट कैसे हो सकता हूँ, प्रोटेक्टेड कैसे हो सकता हूँ, मैं तो जब भी बनूंगा क्या बनूंगा, पब्लिक। पॉइंट क्लियर। जो सेकेंड वर्ड है दैट इज अ स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक यहाँ स्टैटिक आपको सी में भी पढ़ाया गया था, बताया था कि जब स्टैटिक हम लोग ये करते हैं तो उस चीज का एक ही कॉपी क्रिएट होता है, एक ही मेमोरी क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली तौर पे जब इस क्लास को आप 1000 बार रन कराएंगे तो इंटरनल 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे, मतलब हम रन करा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट बना के रन करता होगा इंटरनली, तो अगर 1000 बार हम रन करा रहे हैं तो 1000 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट कहता है कि हम 1000 बार मेमोरी अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। स्टैटिक कहता है कि नहीं, आप चाहे 1 बार रन कराएं या 1000 बार रन कराएं, एक मेमोरी जो बनेगा वही एक्सेसिबल होगा ऑलवेज, इससे मेमोरी वेस्टिंग क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर, तो हम बैठे एक जगह है तो वहीं पे बैठेंगे हमेशा, ठीक है। क्लियर, तो दैट्स व्हाई ये क्या होता है, स्टैटिक होता है, ओके। वॉइड, वॉइड यहाँ कीवर्ड है, वॉइड इज नॉट अ डेटा टाइप। वॉइड क्या है यहाँ पे जावा में, कीवर्ड है, वॉइड डेटा टाइप नहीं है, क्या है, कीवर्ड है, लेकिन बिहेवियर डेटा टाइप जैसा ही करता है जैसे सी में करता है। और यहाँ पे void लगाने का मतलब कह रहा है कि ये function कुछ भी return नहीं, zero भी नहीं, zero is a value, कुछ भी नहीं, nothing, nothing, ठीक है, तो ये function कुछ भी return नहीं करेगा। Point clear? Main इसका नाम हो गया। String args, command line argument जैसे हम लोग C में सीखे थे, इंटर्ग सी कैर अर्ग भी याद आ रहा है, तो जो वहां पे कमांड लाइन आर्गुमेंट है वो यहाँ पे स्ट्रिंग अर्ग्स, ठीक है। यानी हम जहां से एग्जीक्यूट कराएंगे इस क्लास को वहां पे जो वैल्यू हम लिखेंगे उस वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट समझ के ये स्ट्रिंग क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कंसेप्ट को फॉलो अप करेंगे। फिलहाल जनरल प्रोग्राम बनाने में लिखेंगे वो जरूर, ठीक है, पर उसका इस्तेमाल हम करेंगे जनरल में, ठीक है। अब है कि सी में तो हम नहीं भी लिखते थे, void में null छोड़ देते थे, क्या यहाँ पे भी null छोड़ देंगे तो string args होगा वहां पर, पता नहीं, आपको हर प्रोग्राम में string args लिखना होगा। अब args को args ही लिखे, a लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं कहते कुछ नहीं, आप a भी लिख सकते हैं, ar भी लिख सकते हैं। अर्ग्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि आर्गुमेंट का एब्रिविएशन यहाँ पे क्या बनाया गया है, अर्ग्स, आप चाहे तो ये भी दे सकते हैं। पॉइंट क्लियर, ठीक। तो पब्लिक क्यों है, क्योंकि एक्सेसिबल है फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए पब्लिक होना जरूरी है। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि एक ही मेमोरी कॉपी क्रिएट करेगा, चाहे आप उसे 1 बार रन कराए या 1000 बार रन कराए, एक ही मेमोरी को हमेशा यूटिलाइज करेगा। वाइड क्यों है, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, और void एक कीवर्ड है, डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। और मेन इसका फंक्शन का नेम हो गया। स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है, ठीक है, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को, और इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कमांड लाइन पे कोई आर्गुमेंट्स देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक तो आई थिंक हम लोग कर लिए थे। अब है कि जावा इंस्टॉल कर लीजिएगा सर, एक्टिविटी क्या बताया सर, हेलो सर, हाँ बोलिए, स्टैटिक क्या बताया सर, स्टैटिक बताया है कि सिंगल मेमोरी कॉपी इसका तैयार होगा, ठीक है, नो मैटर यू आर एग्जीक्यूटिंग अ क्लास वन टाइम और मेनी टाइम्स, हमेशा वही एक मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता रहेगा। यस सर, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मेमोरी वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोग्राम को हम 1000 बार रन कराते हैं, जरूरत के हिसाब से करा सकते हैं ना,
तो स्टैटिक नहीं होगा तो हर रन पे वो क्या करेगा, अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता चला जाएगा, ठीक है ओके। जावा के गार्बेज कलेक्टर को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा। तो इसने कहा क्या जरूरत है, प्रोग्राम तो एक ही है, ठीक है, रन चाहे एक बार करे 1000 बार करे, काम तो वही करना है, तो मेमोरी एक ही बनना चाहिए। तो इसने लगा दिया क्या, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है सिंगल कॉपी। हम लोग को इसमें स्टैटिक डाटा एंड स्टैटिक मेथड आगे पढ़ना है जब हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के पहले बहुत सारी बातें हैं, कुछ सिमिलर बातें हैं सीसी प्लस प्लस से रिलेटेड और कुछ डिफरेंट भी बातें हैं, पहले वो सीख लेंगे एंड देन आफ्टर वी विल एंटर इन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब है कि बाय डिफॉल्ट जावा जब आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे वर्जन 18-19 आप लोग बोल रहे थे कि आ गया है, जो भी है, तो जो भी वर्जन आपको करना है कर लीजिए। जावा का शुरुआती दौर में ग्लोबल पाथ सेट नहीं होता है, ठीक है। पहले तो जावा जब इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका, जैसे मेरे में सी में प्रोग्राम फाइल्स में जाता है, आप में भी होगा वहीं पे, ये देखिए मेरे में जावा नाम का फोल्डर बना है प्रोग्राम फाइल्स में, इसमें जेडीके मेरे पास 8 है, 1.8 का मतलब वर्जन 8, तो मेरे पास 8 है, नो मैटर, बहुत दिन से है मेरे पास पड़ा हुआ। अब इसमें हमको जाना है पिन में, कहाँ जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका पाथ आ जाता है, क्या आ जाता है, पाथ। अभी बाय डिफॉल्ट जो होगा वो लोकल पाथ में, मेरे में ग्लोबल पाथ सेट है, मैं बता रहा हूँ इसको ग्लोबली करने का। अगर नहीं करेंगे तो हर बार आपको सारा काम कहाँ करना होगा, पिन में करना होगा, कहाँ करना होगा, यानी आप नोटपैड में भले प्रोग्राम बनाइए, सेव कहाँ करना होगा, पिन में, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, जाना कहाँ होगा, पिन में, वहां पे जाके तब जावा सी और जावा नाम का दो, क्लियर। अगर आप ग्लोबल पाथ सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप कहीं पे भी प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल और रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल पाथ कैसे सेट करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि पहले लोकल पे बता दूं। ये मान के चलता हूं कि ग्लोबल पाथ सेट नहीं है ऐसे, चलिए ठीक है। ठीक है, किसी भी काम को शुरू करने के लिए इनपुट आउटपुट का समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इनपुट आउटपुट किए हुए कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। इसमें ध्यान देना यह है कि सिस्टम जो है वो एक्चुअली क्लास है और आउट उसका क्या है, आउट उस सिस्टम का, और सिस्टम जो क्लास है वो आपका लैंग में है, किसमें है, और आउट जो है वो किसमें है, किस पैकेज में है, आईओ पैकेज, ठीक है। ये लैंग पैकेज में है और ये, ठीक है, लेकिन बिना आउट डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आउट को लिखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट राइट सिस्टम, ठीक है। आउट डायरेक्ट लिखने का तरीका है, लेकिन वो हम लोग आगे सीखेंगे कि हम कैसे आउट को डायरेक्ट लिखें और सिस्टम को इग्नोर कर दें। एक तरीका है लेकिन वो हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो
this out object of system class is used for displaying और मैसेजेस, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होता है। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफाइंड फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट वर्केबल नहीं होता है, वर्केबल होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड किया गया मेथड्स फंक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का होता है और क्लास के अंदर दो चीज होते हैं, डेटा और मेथड्स, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, या डेटा या मेथड्स ऐसे कहेंगे, ठीक है। और क्लास का हम बनाते हैं, क्लास को यूज करने के लिए क्लास का हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे डाटा टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेटा टाइप प्री डिफाइंड होता है और क्लास जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। क्या होता है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा पर्पस उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, उसके अंदर के मेथड को एक्सेस करना, ठीक है। तो कहता है कि आउट भी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका काम आउटपुट के लिए, हम समझ गए, पर ये थोड़ी काम करेगा, करेगा तो इसका मेथड, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो कहता है कि इसमें अगर हम मेथड्स की बात करें, तो एक मेथड है प्रिंट, कौन सा मेथड है, ठीक है, displays values or message at current line। current line का मतलब है new line, ये नहीं बनाता है। current line का मतलब है ये new line नहीं बनाता है, ठीक है। लेकिन escape sequence allowed है, ठीक है, ओके। आप इसमें एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, बैकस्लैश एन किसके लिए, बैकस्लैश टी, ठीक है। एक और मेथड है इसका, ठीक है, ये कहता है कि सेम काम करेगा लेकिन न्यू लाइन बना देगा,
तो लिख तो लिया है प्रिंट एलन, न्यू लाइन के लिए तो लिखा हुआ एलन है। तो मत कीजिए, इसमें जरूरत नहीं है लगाने की। जब आप प्रिंट एलन यूज करेंगे तो बैकस्लैश एन लगाने की जरूरत क्या है? सेम, जब आप प्रिंट का पे काम कर रहे हैं, अचानक आपको हुआ कि न्यू लाइन बनाना है लेकिन काम कर रहा है प्रिंट का, तब तो आपको बैकस्लैश एन की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। और जब आप प्रिंट एलन लगा रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि ऑलरेडी मैं लाइन क्रिएट कर दे रहा हूँ, बैकस्लैश एन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगा दीजिएगा तो एक्स्ट्रा करने लगेगा वो, ऐसा थोड़ी कर रहा है कि मेरे अंदर यूज ही नहीं होगा, ठीक है। उसमें लाइन नहीं बनेगा, लाइन बनाने के लिए आपको एस्केप सीक्वेंस लगाना होगा, इसमें ये लाइन बाय डिफॉल्ट बना देता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फोर्स कर रहे हैं ना, दो दो लाइन बनना चाहिए, लगाइए, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, देखा यहाँ पे हम लोग रन करा के चेक कर लेंगे इसको। इसका सिंटेक्स जो होगा, सिस्टम का एस क्या है? या तो यहां पे वेरिएबल दीजिए या फिर क्या दीजिए, डबल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर मैसेज, ठीक है। अब एक चीज आउटपुट के लिए सिर्फ सीख ली है, इनपुट भी है, फिलहाल इतना भी आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रामिंग कुछ देख सकते हैं। अब हमने जावा इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल पाथ सेट नहीं है, जावा का अपना आईडी नहीं है। शुरुआती तौर पे हमको ओरिजिनल स्टेटस पे काम करना है, बाद में हम लोग आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जावा में हमको प्रोग्राम लिखना है, तो हम क्या खोलेंगे? नोटपैड। हमेशा किस में प्रोग्राम लिखेंगे? नोटपैड। नोटपैड के लिए तो आप जानते ही हैं, नोटपैड खुल गया। प्रोग्राम का सिंटेक्स है, कहता है कि पहले इम्पोर्ट लिखिए java.io. क्या मान लीजिए हम बिगिनर्स है तो स्टार कर देंगे, वैसे हम ना भी लिखेंगे तो भी रन कर जाएगा, बाद में हटा के बताते हैं, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास हमारा पहला प्रोग्राम है, तो क्या नाम रखते हैं? क्या वो हिल गया? हम कुछ नहीं कर रहे, हम हिल रहे हैं, दांत थोड़ी हिला रहे हैं। लैपटॉप किसका है? कौन? करण? मेरे करण अर्जुन आएंगे है ना। ओके तो क्लास फर्स्ट से बना दिया, आपको जो नाम रखना है रख लीजिए, ओपनिंग ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, स्पेस हम ऐसे डिजाइनिंग के लिए दे रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, जरूरी नहीं है कि स्पेस दे, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वो सी पाइथन वाला झंझट नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है, और इसमें हम सिर्फ सिंपल लिखते हैं system.out. पहले प्रिंट और सॉरी, हाँ हेलो जावा, और फिर एक थ्रो और दे देते हैं system.out.print, ठीक है, हेलो जावा, हेलो सिमेश,
ठीक है, बंद बंद, ठीक है। अब प्रोग्राम को सेव करेंगे, डॉट जावा सेव करेंगे, उस प्रोग्राम फाइल का नाम फर्स्ट ही रखेंगे, लेकिन सेव कहाँ करेंगे, मान के चल रहे हैं कि अभी ग्लोबल पाथ सेट नहीं, ठीक है, तो हम जाके इसको बिन में सेव करेंगे, ठीक है। यहां से दिस पीसी करेंगे, यहां से सी पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, जावा को सेलेक्ट करेंगे, जेडीके में जाएंगे, बिन में जाएंगे, और यहां पे हम लिख देंगे फर्स्ट डॉट क्या, ठीक है, सेव कर लिए, ठीक है। अब सेव हो गया तो सर अब कंपाइल और रन की बात होगी, तो वो कैसे करेंगे, तो जावा कहता है कि बिन में सेव किए हैं तो डॉस में जाइए, बिन तक ले जाइए पाथ को। तो डॉस खोलने के लिए हमारे पास क्या है, सीएमडी, डॉस खुल गया, सीडी बैकस्लैश कर लेते हैं, सीडी प्रोग्रा कर लेते हैं प्रोग्राम फाइल्स में जाने के, सीडी जावा कर लेते हैं, सीडी जेडीके 1.8 पॉइंट क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, सीडी क्या कर लेते हैं, बिन, और यहाँ पे डीआईआर करके किस नाम से हम लोग सेव किए थे चेक कर लेते हैं, कह रहा है आ गया है। अब कंपाइल कराने के लिए हमारे पास दो कमांड, एक कमांड, और रन कराने के लिए एक कमांड, कंपाइल कराने के लिए जो कमांड है उसका नाम है जावा सी, क्या है, जावा सी स्पेस, और यहां लिख देंगे फर्स्ट डॉट क्या जावा। अब अगर कोई एरर होगा तो बताएगा, तो हमको जाकर नोटपैड में ठीक करना होगा, सेव करना होगा, फिर आगे कंपाइल कराना होगा, और नहीं होगा तो चुपचाप ये कमांड प्रॉम्प्ट बिना एरर दिखाए बैक हो जाएगा। तो इंटर किए, बिना कुछ दिखाए बैक हो गया, मतलब कंपाइलेशन सक्सेसफुल, ठीक है, ओके। अब कंपाइलेशन जब हो गया तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डॉट जावा का एक स्पेशल फाइल बन गया होगा जिसका नाम है फर्स्ट डॉट, बाइट कोड बनाता है ना, आर्किटेक्चर जब पढ़ा रहे थे, जब हम कंपाइल करेंगे तो पहले बाइट कोड बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट जावा था, अब डीआईआर करेंगे ना, डीआईआर फर्स्ट स्टार करेंगे डॉट स्टार, तो दो टो फाइल दिखाएगा, क्लास, क्लास क्या है उसका, बाइट कोड। अब जब हम रन कराएंगे तो वो डॉट जावा को नहीं ढूंढेगा, वो बाइट कोड डॉट क्लास को ढूंढेगा, ठीक है। और रन कराते समय हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो जब हम रन कराएंगे फर्स्ट, तो वो खोजेगा किसको, फर्स्ट डॉट क्लास को, जावा को नहीं, ठीक है। तो अब हमको रन कराना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां हमने क्या लिखा, जावा, रन कराने के लिए, कंपाइल कराने के लिए जावा सी, रन कराने के लिए जावा, और क्या नाम लिख दिया, और इंटर आ गया। और चूंकि प्रिंट लगाए हैं, प्रिंट का काम क्या है, एक ही लाइन पे, करंट लाइन पे सारा काम करना, सारा काम कर रहा, ठीक है, ठीक, ओके। चलिए बैक होते हैं और उसी पे चलते हैं, नोट पैड पे, ओके। ये तो प्रिंट का आप समझ गए। अब है कि सर मान लीजिए हमको न्यू लाइन बनाना ही है, तो हमको यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देंगे ऐसे, अरे जैसे सी में लगाते थे, ठीक है। फिर से इसको सेव कर लेते हैं और फिर से वहां जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जितनी बार भी आप चेंज कीजिएगा प्रोग्राम में, हर बार आके कंपाइल और रन कराना होगा, कंपाइल भी कराना होगा। अगर नहीं कराइएगा तो पुराना वाला रखे रहेगा, वही करा देगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग आके फिर से क्या करा लेते हैं, इसको कंपाइल करा लेते हैं, ठीक है। अब फिर से रन करा लेते हैं, तो अब तो चूंकि बैक स्लैश एन लगाए हैं, तो हेलो जावा एक लाइन में, उसके नीचे क्या मिलना चाहिए,
ठीक है, ठीक, क्लियर। ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप मैसेज के अंदर ही सारे काम को करें, आप मैसेज को मैसेज के साथ सेपरेट करके कंबाइन करने के लिए कंबाइन करके भी काम कर सकते हैं, मैसेज को मैसेज के साथ सेपरेट रखते हुए कंबाइन करके भी काम कर सकते हैं। यहां तो बैकस्लैश एन कंबाइन वर्क में काम कर रहा है। ये कहता है कि बैकस्लैश एन लिखें अलग, लेकिन हो इसके साथ तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लस लिखना होगा और डबल कोट देना होगा और उसमें क्या लिखना होगा, बैकस्लैश एन लिखना होगा। वो सेम काम कर रहा है, मैं तरीका बता रहा हूं कि वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। हमारी कब क्या हो सकता है हमको नहीं पता है, तो हमको सब चीज जानना चाहिए। ठीक है, फिर से सेव करेंगे और फिर से वहां गए, वन सेकेंड एक बार कंपाइल करेंगे। क्लियर, ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है सर, दो सिस्टम डॉट प्रिंट दो बार आप लिखे हैं एक ही में अगर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो पता है, ठीक है, इसको कमेंट बना देते हैं। सी वाला ही तरीका है कमेंट बनाने का, डबल स्लैश सिंगल लाइन और स्लैश स्टार और स्टार स्लैश मल्टी लाइन, ठीक है, और यहीं पे जाके एक और प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे फिर डबल कोट में लिख देते हैं हेलो सीमेज। क्या सर वही काम नहीं होगा? तो बिल्कुल हो जाए, क्लियर, ठीक है। अल्ट एफ एस, वहां गए, फिर से कंपाइलेशन, फिर से रन, आ गया। ठीक है, ओके, तो ये भी बता रहा है कि आप एक ही प्रिंट प्रिंट एलएन में मल्टीपल मैसेज को भी लेके आगे बढ़िए, आप जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रिंट या प्रिंट एलएन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वो आपके नीड पे डिपेंड करता है, एक लाइन में कितना करना है या हमको दूसरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट चलाना है, तीसरा चलाना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए ये हुआ डिफॉल्ट, बाकी और भी चीजें करनी है, इसमें बहुत चीज बतानी है। ये काम हम कहां कर रहे हैं, नोटपैड में और डिफॉल्ट सेटिंग पे काम कर रहे हैं पिन में। ठीक है, अब हम ग्लोबल पाथ सेट करते हैं, तो ग्लोबल पाथ सेट क्या करता है कि आप कहीं पे भी कीजिए, DEF जो भी ड्राइव है वहां फोल्डर बना लीजिए, उसी में सेव कीजिए, उसी में कंपाइल कीजिए, रन कराइए, लेकिन उसके लिए आपको ग्लोबल पाथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कुछ आईडी कर भी देता है, जैसे नेटबीन से क्लिप्स कीजिएगा, हो सकता है वो ग्लोबल पाथ उसका सेट कर दे इंस्टॉलेशन के समय, लेकिन अगर नहीं है वो सब और हमें अगर ग्लोबल पाथ सेट करना है तो कैसे करेंगे? क्लियर, मेरे में वैसे किया हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये गायब क्यों हो जा रहा है जी कभी कभी, ये इलेवन वाला ठीक है ना, स्टेबल है ना इलेवन, हम अब अरे कोई बोला था हम ही कर लिए थे कि अब स्टेबल है, स्टेबल है, कोई बोला था, मजाक भाग गया, अरे बैटरी मेरा भी बैटरी बैकअप बैटरी कर रहा है।
दुनिया में लैपटॉप सबसे ज्यादा लेनेवो बेच दे रहा है, नंबर वन कंपनी सेलिंग के मामले में, मार्केटिंग के मामले में लेनेवो नंबर वन कंपनी। जो भी है, और ज्यादातर कॉर्पोरेट लेवल पे भी उसी का ज्यादातर सिस्टम देखते हैं, थिंकपैड। हाँ हाँ, ये भी बात हो सकता है, सस्ता के साथ टिकाऊ भी दे देता होगा इसलिए चल जाता है। जबकि एचपी और डेल जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको अभी तक बीट, रिसेंट का बता रहा है, अभी लेनोवो नंबर वन है लैपटॉप सेलिंग में। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लेट्स कम टू दी, दो दो खुला है क्या, तो खुल गया है क्या, ठीक है। अब है कि मान लीजिए सर कि ग्लोबल पाथ सेट करना है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कुछ और हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो ग्लोबल पाथ नहीं सेट करना है तो सीखिए यहाँ पे। अब ग्लोबल पाथ के लिए एक बार जहां जावा इंस्टॉल हुआ है वहां जाना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, उसमें जावा नाम का फोल्डर बना होगा, उसमें जेडीके आपका 1.8 आप में जो भी होगा आएगा, उस पिन तक जाना है, पिन पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उसका पूरा पाथ आ जाएगा, इसको कंट्रोल सी कर लेना, ठीक है, बस यहाँ का काम खत्म, इसको बंद कर दीजिए, और दिस पीसी पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी में जाइए, इन्वायरमेंट वेरिएबल आएगा वहां पे, कहाँ है ठीक है, अब इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है और कुछ नहीं करना है, दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में एक न्यू करना है, हमारे में पहले से बना हुआ होगा, ये देखिए बना है ना पाथ में, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी कहीं पाथ में होगा, है ना, कहीं पे होगा, इसमें ओरेकल का है, इसमें और होगा, रुकिए, देखिए इसमें भी है ना, तो दोनों में आपको डालना होगा, किसमें डालना होगा, दोनों में, कैसे डालना होगा, यहां जाइएगा न्यू, आपको कुछ करना नहीं है, न्यू ऊपर वेरिएबल नेम में लिख दीजिएगा पाथ, पीएटी हम यहाँ पे लिखिएगा पाथ, और यहाँ पे जो कंट्रोल सी किए है ना उसको क्या कर दीजिएगा, और ओके, काम खत्म। उसी तरीके से यहाँ पे भी जाइएगा, ऊपर वाला में लिखिएगा पाथ और नीचे वाले में क्या कर दीजिएगा, कंट्रोल्स भी, और ओके, काम खत्म। और उसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर लीजिएगा, ठीक है, और डॉस को एक बार जो खोले थे उसको बंद कर दीजिएगा, दोबारा खोल लीजिएगा, क्लियर। अब हमारा जो है वो ग्लोबल पाथ सेट हो गया। अब हमको कैसे पता चलेगा ग्लोबल पाथ सेट हुआ है कि नहीं, तो जो कमांड है ना उसको टाइप कीजिएगा, तो यहाँ भी बता रहा है, हम डी ड्राइव में चले गए हैं, इसको टाइप करेंगे, यहाँ भी बता रहा है, ठीक है, क्लियर। हम यहाँ पे एक तो डायरेक्टरी बना लेंगे एमडी जावा, ठीक है, अच्छा ये पहले से बना हुआ है एमडी के जावा, ठीक है, और सीडी क्या करेंगे, के जावा। अब यहाँ पे भी हम जावा लिखेंगे, यहाँ भी बता रहा है जावा सी लिखेंगे, यहाँ भी बता रहा है ना, दिस इज, ये बता रहा है कि अब हम कहीं पे भी सेव करके कहीं पे भी काम कर सकते हैं, क्लियर। अब के जावा नाम का हमने फोल्डर बना दिया है, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि के जावा में ही काम करें सारा, ठीक है, तो अभी स्टिल के जावा में है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं,
इसको हटा देते हैं और नोटपैड को हम फिर से ओपन कर लेते हैं और नोटपैड को कहते हैं कि सुनो ये जो प्रोग्राम लिखे हैं इसको हम सेवेज कर लेते हैं। कहाँ पे सेवेज कर लेते हैं? डी में क्या बनाए थे? के ऊपर है, आईजे के यहाँ है ना, और यहाँ पे हम फर्स्ट डॉट जावा को क्या कर लेते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं, हम डॉस को खोलते हैं, ऑलरेडी हमारा के जावा पे है, हम यहाँ पे आके सीधे कंपाइल करते हैं, जावा सी फर्स्ट डॉट क्या, और रन कराते हैं। रन हो रहा है? हो रहा है? ठीक है, बढ़िया सिस्टम है मोड़ने वाला। केबल आप कितना भी बढ़िया बनाइए उसकी एक लाइफ होगी, जो केबल मुड़ेगा ही। और क्या हो गया, क्या ले लिए? तो जैसे आप ये 3.5 वाला केबल मंगवाते हैं या आपका चार्जर का केबल होता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा होता है, काटिएगा भी तो नहीं कटेगा, लेकिन एक ठीक है, दो तीन साल चलेगा, चार साल चलेगा, पांच साल भी चल जाएगा, लेकिन वो खराब हो ही जाएगा एक समय। आप बैन कीजिएगा तो मुड़ाव तो अंदर तार का मुड़ाव तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, वो तो देना ही होगा आपको, चाहे आप कितना भी बढ़िया मेटल क्यों ना लगाइएगा। मेटल जब ऐसे 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 बार बार होगा तो एक सर्टेन प्लेस पे वो कमजोर होता चला जाएगा, एक समय पर टूट ही जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एंड दैट्स व्हाई इस सॉल्यूशन को, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है और यही वजह है कि ये सॉल्यूशन को अब वायरलेस मोड में देखा जा रहा है, और इसीलिए आजकल 5G पे जोड़ भी है, और ज्यादातर कंपनीज जो है वो अब लैपटॉप में आपका ये वाला पोर्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जैसे इथरनेट पोर्ट गायब कर दिया है। हो सकता है कुछ दिन में प्रोजेक्टर में भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट लाए कि अब एकदम वायरलेस मोड में कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, तो ये केबल का कंसेप्ट ही खत्म। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाए। ओके, तो ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया। अब आपको जहां मर्जी जैसे मर्जी काम करा सकते हैं। एनी इशू ऑनलाइन सर? एनी इशू? एक था बिना ग्लोबल पाथ सेट किए हुए और दूसरा हो गया ग्लोबल पाथ सेट करके, कोई दिक्कत सर? ग्लोबल पाथ सेट कर का बेनिफिट क्या है सर? ग्लोबल है? सर ग्लोबल पाथ सेट क्यों करते हैं सर? ग्लोबल पाथ इसलिए सेट करते हैं ताकि जावा के फाइल को हम कहीं पे भी स्टोर कर सकें, सेव कर सकें, और वहीं कंपाइल और रन करा सकें। जैसे हमको मर्जी है कि हम क्यों बिन में करेंगे, हम डी में क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ग्लोबल पाथ सेट करना होगा। जैसे हम यहाँ पर डी में के जावा नाम का फोल्डर बनाए हैं, हम कहेंगे हम अपना जितना भी प्रोग्राम जावा का बनाएंगे सब के जावा फोल्डर में सेव करेंगे, यहीं कंपाइल कराएंगे, यहीं रन कराएंगे,
तो कहता है कि ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ग्लोबल पास सेट करना पड़ेगा, करना होगा। ठीक है, यस, ओके। चलिए जी, अब यहाँ पे आते हैं। ये हम लोग यहाँ देखो ना जी, सबसे बहुत हमारे गांव में है फखरुद्दीन चचा, बहुत बहुत बढ़िया आदमी, बड़ी बड़ी मजेदार आदमी है, मतलब मूड फिट हो जाता है, लेकिन उनका भी वही है। मैं कुछ हम कहेंगे तो फलानिया का हाल है, उन्हें बतिया रहे। ठीक है, तो अब आते हैं इस मैसेज का, हो गया थोड़ा सा। हम लोग जैसे वेरिएबल वगैरह लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, क्या सी में ऐसा ही ना करते हैं? यहां भी वैसे ही है, नथिंग चेंज्ड। ठीक, अब हमको दोनों को डिस्प्ले करना है, तो क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे? प्रिंट एलन, और यहाँ लिख देते हैं नंबर 1 इज इक्वल टू, कोमा नहीं होता है यहाँ पे, जो सेपरेशन होता है वो किससे चलता है? कोमा से नहीं चले। एक्स अब प्लस, फिर लिख देते हैं नंबर 2 ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और चलते हैं वहां पे, और यहां पे हमने बनाया था, कंपाइल करा लेते हैं और रन कराते हैं। क्या आ गया? नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20। स्पेस नहीं आ रहा था, स्पेस दे दीजिए। ठीक है, आप या तो यहां पे स्पेस एक रख दीजिए, नहीं तो प्लस बैक स्लैश टी लगा दीजिए, उससे भी हो जाएगा, हो जाएगा ना, इससे भी हो जाएगा। ओहो, सेव नहीं किए, कंट्रोल एस। आ गया स्पेस के साथ, क्लियर? ठीक, ओके। नोट करना, आपकी जिम्मेवारी है, कुछ छूटेगा ठीक है तो आप समझिए। ये लाइव डायरेक्ट लाइव बता रहे हैं, तो ये हम सेव ऑफ करके रखेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। चार्ज तो लगा है, लेकिन चार्ज हो नहीं रहा है। अब हुआ ठीक, आगे बढ़ जाए, ओके। अब मान लीजिए कि हमको इस दोनों वैल्यू को जोड़ के प्रिंट करना है। अभी सिर्फ हम लोग आउट जान रहे हैं, आउटपुट जान रहे हैं, इनपुट अभी नहीं बताया हम आपको। मान लीजिए कि इस दोनों को हमको जोड़ के प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैसेज बना देते हैं एस यू एम बराबर, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई, सही है? क्या आएगा? 30, सम इज इक्वल टू 30, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि प्लस जो है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर जब हम प्लस लिखते हैं
तो उसका मतलब होता है कॉन्केटेनेशन। तो ये दे देगा सम 10-20, क्या दे देगा सम 10-20, ठीक है। कंट्रोल एस रन, क्या दिया सम 10-20, ठीक है। तो सर तो जोड़ना है ना मेरे को, तो आपकी यही गलत है, ऐसे कीजिएगा तो वही समझेगा। लेकिन अगर हम इसको ब्रैकेट में अंदर में एक ठो डाल दें तब कहेगा कि पहले तो हमको अंदर वाले ब्रैकेट का काम करना है, और अंदर वाले ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर, राइट हैंड साइड में भी इंटीजर, तो प्लस का मतलब मैथमेटिकल, क्या हो गया मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल हो गया। तो 10 प्लस 20 कर देगा तो क्या हो जाएगा 30, और फिर उस 30 को सम के साथ कॉन्केट कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा सम इज इक्वल टू 30। क्लियर, ठीक है। कंट्रोल एस, आ गया। ठीक है, तो इसको भी फट से नोट कर लीजिए। नोट करने की जिम्मेवारी आपकी है, छूट जाता है आप जिम्मेवार है, रोकना है आपको रोकना है कि सर रुक जाइए हमको लिखना है। नहीं ये बात में आप ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट। लेट्स कम टू द इनपुट, कुछ इनपुट पे काम कर लें ताकि आप कुछ घर पे कुछ कर सकें। तो इनपुट कराने के लिए जो स्टैंडर्ड अप्रोच है दैट इज उसके लिए स्पेशल क्लास है डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑफ ऑपरेटर। लेकिन जो आसान वाला काम है वो वर्जन 5 और उसके बाद मिल चुका है जिसको स्कैनर कहते हैं, ठीक है। तो सीधे हम लोग स्कैनर के थ्रू ही बताते हैं, डेटा इनपुट स्ट्रीम बाद में बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इनपुट कराने के लिए जो ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है इन, जो सिस्टम के साथ कंटेंट है यानी सिस्टम डॉट इन, ठीक है। लेकिन स्कैनर कहता है कि मैं इसको अपने अंदर रख लिया हूं और मैं एक अपनी व्यवस्था देता हूं आपको इनपुट कराने का, जो आसान व्यवस्था है, ठीक है। सिस्टम डॉट इन से भी आप कर सकते हैं लेकिन एक ट्रेडिशनल व्यवस्था के तहत आपको चलना होगा। मेरी व्यवस्था को आप लीजिएगा तो एक आसान तरीका मैं आपको दे दिया, ठीक है। तो सीधे हम लोग उसी से पहले सीखते हैं स्कैनर से, ठीक है। हालांकि दिस क्लास इज यूज्ड फॉर इनपुटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यू। दिस वर्क्स बाय कंटेनिंग सिस्टम डॉट किसको इनको, ठीक है। This class is introduced
introduced in Java version 5 and later. लेटर का मतलब पांच के बाद सब में, ठीक है. इट इज डिफाइंड अंडर जावा डॉट यूटिल पैटर्न, अंडर जावा डॉट क्या ठीक है, क्लियर. ओके, अब है कैसे इसको यूज करेंगे. सिंटेक्स यूटिल आपको लगाना होगा, पता है. स्कैनर लिखिए, एक तो ऑब्जेक्ट बनाइए. क्या बनाइए इसका, इज इक्वल टू. ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बताए थे, क्या लिखना होगा, न्यू, और फिर क्या लिख के लिखना होगा, स्कैनर. और इसके अंदर कहता है कि रख दीजिए किसको, ठीक. और ऑब्जेक्ट कहता है कि हम थोड़ी कोई काम करेंगे, काम तो मेरा मेथड ना करेगा, कौन करेगा, मेथड. तो कहता है कि इसमें कई मेथड्स है, एक मेथड है उसका नाम है नेक्स्ट इंट. क्या है नेक्स्ट INT, क्या इनपुट कराएगा, इंटीजर वैल्यू. उसी तरह से एक होगा नेक्स्ट फ्लोट, ये क्या कराएगा, लिख लीजिएगा. ये आपको कराएगा नेक्स्ट का क्या करेगा, कैरेक्टर वैल्यू. नेक्स्ट लॉन्ग कैर होता है, नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट डबल, ठीक है. उसके बाद स्ट्रिंग अगर कराना हो तो नेक्स्ट ठीक है. तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो कैसे करेंगे सर, तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ठीक है, दैट इज जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाया है ना, उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लिख दीजिए क्या, नेक्स्ट इंट. तो अगर ऐसे लिखेगा तो ये इंटीजर वैल्यू बनाएगा, और यहाँ पे आप कोई वेरिएबल रख दीजिए, वो उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा. हो गया बात खत्म. ओके, तो कुछ इस पे काम करके देख लिया जाए झट से. सबसे पहले यहां पे हमको एक हेडर फाइल बढ़ाना होगा, या तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार, नहीं तो ठीक है. ओके, अब यहाँ पे हमको दो वेरिएबल लेना है. क्या मेथड, मेथड कुछ नहीं, वो ना यहाँ पे क्लास का नाम क्या रख दे, फर्स्ट कुछ दूसरा नाम से कर लेते हैं. एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स बना दें,
कि स्वैपिंग बना दें, स्वैपिंग, तो एक तो स्वैप नाम से बना लेते हैं स्वैप, ठीक है। इंट एक्स वाई चाहिए दो और एक टी चाहिए स्वैपिंग करने के लिए, चाहिए एक तो स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर जेड इज इक्वल टू न्यू, क्या लिख देते हैं स्कैनर, और इसके अंदर क्या लिख देंगे, ठीक है ओके। एक मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इंटर कितना नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है, और पहला नंबर को एक्स में इनपुट कराते हैं बाय यूजिंग नेक्स्ट इंट, क्लियर, और दूसरा को किस में कराते हैं, ठीक है, दोनों हो गया ओके। अब एक सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यूज बिफोर क्या स्वैपिंग आर प्लस एक्स प्लस, एक तो स्पेस दे देते हैं, ठीक है, और अब क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू टी, अब फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में लिख देते हैं वैल्यू आफ्टर, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर प्लस एक्स प्लस एक स्पेस, एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बन गया। अब इसको सेव एज कर लेते हैं, किस नाम से, स्वैप के नाम से, किस नाम से, स्वैप डॉट जावा, कहाँ पे सेव हो रहा है, के जावा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ग्लोबल पाथ सेट किए हैं, सेट हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिए, यहाँ पे गए जावा सी, क्या लिखेंगे, स्वैप डॉट आ गया, अब यहाँ पे लिखेंगे जावा, क्या लिखेंगे, स्वैप इंटर, क्या मांगा, नंबर बोलिए दो ठो कोई नंबर, 10 12 वैल्यू बिफोर स्वैपिंग 10 12 वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, सो इट्स वर्किंग, ठीक है, सो जस्ट राइट, ओके तो क्या क्या कर लीजिएगा, होमवर्क पर डिस्कशन करते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग सब हो जाएगा, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ये सारा काम आप लोग बना लीजिएगा, और ना बने तो आते आते पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे प्रिंट, तो स्कैनर अभी तो बताए हैं, स्कैनर का काम क्या है, इनपुट कराना, कैसे स्कैनर यूज कराएंगे, पता है कि स्कैनर अपने अंदर सिस्टम डॉट इन को रखता है, जो स्कैनर लिखने का तरीका होता है कि पहले स्कैनर को बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नेम क्या है, जेड है, इज इक्वल टू न्यू, और फिर स्कैनर क्लास, और ब्रैकेट में क्या लिख दिए हैं, सिस्टम डॉट इन, ये हमेशा यही लिखेंगे, जब भी आपको स्कैनर यूज करना होगा यही एक लाइन लिखना होगा ऐसे ही, ओके, हाँ ऑब्जेक्ट नेम जेड पी क्यू आर जो आपको मर्जी हो लीजिए। अब कहता है कि इसमें तो मेथड वही सब मिलेगा, अब हम हमको वैल्यू कैसा इनपुट कराना है, इंटीजर, इंटीजर एक्स में वाई में क्या कराना है, इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर कराने के लिए कौन सा इसका मेथड रिस्पॉन्सिबल है, नेक्स्ट इंट,
तो हमने क्या कहा, मैसेज दिया एंटर टू नंबर्स और लिखा जेड डॉट नेक्स्ट इंट, वो एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएगा, स्टोर कर लेगा एक्स में, फिर जेड डॉट नेक्स्ट इंट वो इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएगा, स्टोर कर लेगा किसमें, वाई में, हो गया ना दोनों काम। अब बता दिए कि वैल्यू बिफोर स्वैपिंग ये है और फिर उसके बाद स्वैपिंग कर दिए, स्वैपिंग के बाद स्वैपिंग दिखा दिए, ठीक है। और सिस्टम डॉट इन को डायरेक्ट यूज करना होगा तो हमको फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और डेटा इनपुट स्ट्रीम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सिस्टम डॉट इन को कंटेन कराना होगा, और सिस्टम डॉट इन के दो मेथड है, एक रीड और एक रीड लाइन, उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा, उसमें टाइप बाइफरकेट नहीं होगा, वो हम ही क्यों करना होगा। रीड एक बाइट एक कैरेक्टर लेता है बाइट फॉर्म में, और रीड लाइन किसी भी वैल्यू को लेता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, वो इंटीजर फिंटीजर ये सब कुछ नहीं जानता है, ठीक है। स्कैनर इसी चीज को आपके लिए क्या कर दिया, आसान कर दिया कि नेक्स्ट इंट मतलब इंटीजर जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोट मतलब फ्लोट जा रहा है, नेक्स्ट लॉन्ग मतलब लॉन्ग जा रहा है, ओके। तो होमवर्क कीजिए एंड हाँ एक मिनट लीजिए, हो गया।